शुरू हुआ है, कितना जरूरी है ये और कितना कैसे देखना पड़ेगा? कोई मेला लगता है शहर जिंदा होता है, और शहर जिंदा होता है शहर में एक्टिविटी बढ़ती है, शहर के लोग इंजॉय करते हैं, हर क्लास का लोग इंजॉय करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले अपने मन की बात में कहा था कि सबसे ज्यादा मेले झारखंड और बंगाल में लगते हैं। उससे 2 फायदे, पहला फायदा कि वोकल और लोकल, लोकल लोगों को एक बाजार मिलता है। साल भर इंतजार करते हैं भाई मेला लगेगा, ट्रेड फेयर लगेगा, खादी मेला लगेगा, जब सोहराय जत्रा मेला लगेगा, जगन्नाथ मेला लगेगा, पूर्णिमा मेला लगेगा, तो साल भर इंतजार करके उनको स्वरोजगार रोजगार मिलता है। और दूसरी तरफ शहर भी इंजॉय करता है। तो और फिर हमारा जो सामाजिक स्तर है, हमारा कल्चर भी आदान प्रदान होता है। कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई केरल से आ रहा है, अपनी वस्तुएं बेच रहा है, तो एक एक, एक अच्छा माहौल अच्छा होता है, लोग इंजॉय करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात होती रहती है, आप लोग करते रहते हैं, इस मेगा ट्रेड फेयर को उससे कनेक्ट कैसे करेंगे? देखो आत्मनिर्भर भारत यही ना, यही तो आत्मनिर्भर है। मान लीजिए कि हम कोई बुटीक चलाते हैं, या कोई हम खिलौना बना रहे हैं, या कोई लैंप बना रहे हैं, तो फिर ढूंढते ना भाई, अरे कहाँ मेला हो रहा है, रांची मेला हो रहा है, तो हम कहाँ हो रहा है, एक मार्केट। देखो तो हम उत्पादन कर सकते हैं घर में, हम ट्रेनिंग ले लिए, हम कहीं प्रोडक्शन कर लिए, सबसे बड़ी चीज है मार्केट, बाजार। वो बाजार ये मेला देता है, और ये मेला जब बाजार देता है कि तो उसका उसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है बड़े दूर तक जाता है। अब मान लो आप कोई आजमगढ़ से आया है, कोई कोई मुरब्बा लेके आया, अरे भाई जाओ उस स्टॉल पे जाओ, मुरब्बा बहुत बढ़िया आजमगढ़ का मिलता है, मेरठ के का पेठा बहुत बढ़िया है, वहाँ जाओ। तो ऐसे ही ट्रेनिंग जो है ना, ऐसी ट्रेनिंग बढ़ती है, और वही वोकल फॉर लोकल, वही आत्मनिर्भर है। जब हम कोई वस्तु बना रहे, हमको बाजार मिल गया, हमारा सेल हो रहा है, तो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का बहुत बड़ा आधार ये मेला।